देखिए पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, आलू और बैंगन को भली भांति काट लें चाकू से। उसके बाद इसमें मिर्च मसाला पानी वगैरह डाल के इसे सही से मिक्सर जैसा बना लें, पेस्ट बना लें पहले, और उसमें सब्जियां डाल लें। और इस तरीके से पकौड़ी बनेगी आपकी, बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी पकौड़ी बनेंगी। और देखिए ये कढ़ाई में पकौड़ियों का सामान जब कट रहा था उसी समय ये तेल कढ़ाई कढ़ा दी गई थी, जिससे समय पर पकौड़ी इसमें तली जा सके। आपके लिए थोड़ा सा तेज़ कर दिया गया है और ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ आपके लिए तैयार हो रही है। देख सकते हैं कितना अच्छा उबाल आ रहा है पकौड़ियों में। आलू, प्याज और बैंगन की पकौड़ियाँ यहाँ पे बन रही हैं। पकौड़ी ऐसे भी है, हम लोग देख सकते हैं दाली की खाने का एक अलग ही टेस्ट है। मैं डालते हुए पकौड़ियों को, और आँच के लिए, गैस की आँच की स्टोव की आँच के लिए धीमा कर देते हैं, जिससे पकौड़ियाँ बनने वाले लग जाए। और ये जो मिक्सर है सब्जियों का, बेसन का, मसालों का, इसमें छोटे छोटे पीस बनाएंगे, सीख जाए पकना सही से। पकना बहुत आवश्यक है, यदि ज़्यादा पक गए तो ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी सही से नहीं आएगा। जल्दी से मटेरियल और बचा हुआ है, इसको बनने के बाद आपके लिए बनी हुई पकौड़ियों के दर्शन कराऊंगा। देखिए बढ़िया तरीके से सीख रही है। कच्छी को चलाएंगे, तेज़ी से चलाएंगे तो हो सकता है तेल आँखों में पड़ जाए, थोड़ा सा अलर्ट हो आँखों, जिससे हाथ और तेल मुंह पर ना गिर जाए। और सहूलियत के साथ देखिए लगभग लगभग पक चुकी है कढ़ाई में, देखो काफ़ी उबल रही है सही से, काफ़ी सीख जाएंगी, जल्दी से जल्दी सीख जाएंगी, खाने में टेस्टी लगेंगी क्योंकि इसमें कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, हरी मिर्च, बैंगन, आलू और प्याज, साथ ही और चीज़ भी डाल सकते हैं, फूल गोभी है या किसी भी सब्जी का तो मिक्स करके इसमें डालें और आपकी पकौड़ी जल्दी से जल्दी तैयार होने वाली है। सीख चुके हैं लगभग, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। देखिए आज के लिए थोड़ा धीमा और कर लीजिए, जिससे गले में परेशानी ना हो। और सॉलियस को निकालेंगे, फिर इनको निचोड़ते हुए निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा तैलीय चीज़ें स्वास्थ्य के लिए डाले। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा रुक कर कढ़ाई में तभी इनको निकालेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन, टेस्टी, स्वादिष्ट और
खाने में अच्छी लगेंगी आप लोगों के लिए। मैं केवल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आप लोग घर पे बना सकते हैं। अच्छी तरीके से देखिए ये बन के यार पकौड़ियाँ तैयार हो गई। देखिए क्या बढ़िया ये लेबर यहाँ पे आ रहा है। करंट लगा मम्मी, लगा कि नहीं?